धुरकी प्रखंड में अभी जो 64 योजना का जो मैं बात कह रहा हूँ, वो योजना प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा 25/9/2024 के चिट्ठी निकाल कर यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च स्तरीय पदाधिकारी के रोक लगाने के बावजूद भी मनरेगा कर्मी यहाँ पर 64 पशु शेड ऑन गोइंग कर दिए हैं। धुरकी प्रखंड में मनरेगा में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना सहित मनरेगा एक्ट कानून के विरुद्ध सामग्री आधारित योजनाओं को ऑन गोइंग होने के बाद शुक्रवार को प्रखंड उप प्रमुख धर्मेंद्र यादव ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। उप प्रमुख ने बताया कि सरकारी दिशा निर्देश की अवहेलना कर और सभी मनरेगा प्रावधान को ताक पर रखकर सामग्री आधारित कुल 64 पशु शेड योजनाओं को ऑन गोइंग कर दिया गया है। उप प्रमुख ने बताया कि यह मामला उन्हें वीडियो द्वारा पत्र के माध्यम से जारी किए गए स्पष्टीकरण करने के बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि धुरकी प्रखंड में जिस तरह से पूर्व में गनियारी कला पंचायत में मनरेगा योजनाओं में फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसमें सभी रोजगार सेवक, पंचायत सेवक सहित संलिप्त लोगों के विरुद्ध धुरकी थाना में पूर्व में रिकवरी के लिए FIR भी दर्ज है, वहीं इसके बावजूद भी ठीक उसी तरह मनरेगा में सामग्री आधारित योजनाओं को फिर से पुनरावृत्ति किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में मनरेगा से जितने भी मेड़बंदी किए जा रहे हैं, उसमें बिना काम किए फर्जी मजदूरों का डिमांड लगाकर पैसे की निकासी की जा रही है। उपप्रमुख ने कहा कि मेड़बंदी की योजना जिस स्थल पर किया जा रहा है, उस स्थल पर खेत में फसल लगा है और एक ही स्थल को दिखाकर अनेकों मेड़बंदी की योजनाओं में पैसे की निकासी की जा रही है। उपप्रमुख ने कहा कि उन्होंने BDO को आवेदन दिया है और संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के लिए भी मांग किया है और कहा है कि अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब वह ग्रामीण विकास विभाग व मनरेगा आयुक्त को भी लिखेंगे। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के अख्तर अंसारी संजय यादव भी मौजूद थे। धुरकी प्रखंड में अभी जो 64 योजना का जो मैं बात कह रहा हूँ, वो योजना का स्पष्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा 25/9/2024 के चिट्ठी निकाल कर यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च स्तरीय पदाधिकारी के रोक लगाने के बावजूद भी मनरेगा कर्मी यहाँ पर 64 पशु शेड ऑन गोइंग कर दिए हैं, जो कि यह भ्रष्टाचार झलक रहा है। वो चिट्ठी में ही प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का सब बात स्पष्ट किया गया है, जो कि उसमें लिखा हुआ है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है कि उस चिट्ठी से स्पष्ट हो रहा है कि जिला से रोक है। तब पर भी यहाँ पर मनरेगा कर्मी के दुस्साहस देखिए कि कितना बड़ा है कि एक बड़ा पदाधिकारी के रोक लगाने के बाद भी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी बिना जानकारी के और योजना ऑन गोइंग कर दिया गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व के ही तरह मनरेगा योजना में लूट खसोट की प्रक्रिया को दोहराना चाह रहे हैं। इससे पूर्व एक साल पहले भी धुरकी प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत मटेरियल युक्त योजनाएं में अनेक प्रकार का अनियमितता पाया गया था और उसमें मनरेगा कर्मी के ऊपर पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, BPO, JEE, AE सभी के ऊपर थाना में प्राथमिकी दर्ज भी किया गया है और उसका रिकवरी भी किया जा रहा है। लेकिन उसी कार्य को दोहराने के लिए पुनः धुरकी प्रखंड में अभी वर्तमान में जो जिला से रोक लगाया गया था कि किसी भी मटेरियल युक्त योजना को नहीं करना है धुरकी प्रखंड के पंचायत में, लेकिन हमारे धुरकी प्रखंड में 64 पशु शेड चालू कर दिया गया है, जो कि उच्च स्तरीय पदाधिकारी के रोक लगाने के बाद भी उनका भी बात को अवहेलना किया जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है और यहाँ पर अभी वर्तमान में मेड़बंदी योजना जो चल रहा है, अपना खेत को मेड़बंदी बनाकर अपना फसल उगा सके, लेकिन अभी बरसात के मौसम में सभी जमीन पर फसल लगा हुआ है और फर्जी डिमांड लगा लगा कर यहाँ पर पैसा निकाला जा रहा है और मनरेगा कर्मी JEE जो भी हैं पंचायत सेवक मास्टर रोल सेव करा रहे हैं, जो कि इसका भी जानकारी हम
प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिख दिया हूँ। प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को जो मैं लिखित आवेदन दिया हूँ, ये मेरे पास साक्ष है। जो मेड़बंदी का योजना जो हो रहा है, अभी खेत में फसल लगा हुआ है, जो कि अभी उसका डिमांड लगाकर पैसा फर्जी निकासी किया जा रहा है, और यहाँ तक कि हम सभी मनरेगा कर्मी को भी बोला हूँ कि आप स्थल पर कार्य देख के ही करें, लेकिन यहाँ पर कोई हमारा बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और मनमानी तरीके से प्रतिदिन अभी पैसा निकासी हो रहा है। मनरेगा योजना के बारे में जो हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को लिखित दिया हूँ और इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं और इस प्रकार का फर्जीवाड़ा को नहीं रोक लगाते हैं, तो हम ग्रामीण विकास मंत्री महोदय को और मनरेगा आयुक्त को भी पत्राचार करने का काम करेंगे, और वहां से भी नहीं होगा तो हम इसको कोर्ट में भी फाइल करेंगे कि इस प्रकार का रोक लगे, इसलिए कि धुरकी प्रखंड में हमारा मनरेगा योजना में बहुत पूर्व से ही फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसका साक्ष्य है। और उसी प्रकार से पुनरावृत्ति कर धुरकी प्रखंड को पुनः यहां पर मनरेगा मटेरियल युक्त का योजना को करके और गलत तरीके से और अपना मनसा बनाकर कि हम मनरेगा योजना में मटेरियल युक्त करके और लूट लें, उस प्रकार का क्रियाकलाप को हम धुरकी प्रखंड में कतई नहीं होने देंगे।